भगवा मुरैठे के भय से जदयू नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। डिलीट मानव उपाधि होती है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसमें परीक्षा नहीं दी जाती है, रोल नंबर नहीं होता है, आप रोल नंबर और मार्कशीट मांग रहे हैं। बिहार के किस नेता पर पटना हाईकोर्ट ने साहित्य शोध चोरी करने के आरोप में 20,000 का जुर्माना लगाया था? आपके दल के मालिक के ऊपर ही पटना हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। सत्ता पक्ष की तरफ विपक्ष के नेताओं पर कटाक्ष किया जाता है और यहां तक राजनीतिक पड़ाव को तोड़ते हुए निजी मामलों तक भी पहुंच हो जाती है। खास करके राजनीति में इस तरह के मामले पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ गए हैं। दरअसल पूरा मामला है, जदयू के प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और उनकी डिग्री को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे और सवाल पूछे थे। इसी मामले को लेकर आज भाजपा प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए साफ तौर पर जदयू व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है और कहा है कि हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चोरी के आरोप में 20,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ किस बुनियाद से नीरज कुमार बातें बोलते हैं, किस बुनियाद से सर्टिफिकेट और डिग्री की बात करते हैं, उनको कुछ जानकारी भी नहीं है। कम से कम प्रवक्ताओं की परंपरा के प्रवक्ता के जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान है, उसका तो लाज रख लें। दरअसल सम्राट चौधरी जब से बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, महागठबंधन में पूरे तरीके से खलबली मची हुई है और सरकार जाने के भी डर है, ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा प्रवक्ता राम सागर सिंह। सुनिए पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं राम सागर सिंह। राष्ट्रवादी सम्राट चौधरी की बढ़ती लोकप्रियता और भगवा मुरैठे के भय से जदयू नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। माना कि आप आतंकी इज्जत जहां के पक्षकार हैं, आप और आपके नेता बिहार की बेटी बता करके बिहार को अपमानित करने का काम पीछे आप लोगों ने किया था और आगे भी अपनी अज्ञानता से बिहार और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के मतदाताओं का सर सम से झुकाने का ही काम कर रहे हैं। डिलीट मानव उपाधि होती है, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इसमें परीक्षा नहीं दी जाती है, रोल नंबर नहीं होता है, आप रोल नंबर और मार्कशीट मांग रहे हैं और अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। आप अपना तो सर सम से झुकाने का काम करवा ही रहे हैं, बिहार की जनता और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को भी सर झुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप बिहार की जनता को इस बात का जवाब दीजिए कि बिहार के किस नेता पर पटना हाईकोर्ट ने साहित्य शोध चोरी करने के आरोप में 20,000 का जुर्माना लगाया था? आपके दल के मालिक के ऊपर ही पटना हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया था? इस सवाल का जवाब जनता आपसे मांग रही है और उसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए कि आखिर वो कौन नेता थे जिनके ऊपर पटना हाईकोर्ट ने साहित्य चोरी के आरोप में 20,000 का जुर्माना लगाया था। तो आपने राम सागर सिंह को सुना है किस तरीके से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सम्राट चौधरी के तरफ से बचाव कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाजपा 2025 में सरकार में आएगी और महागठबंधन के लोगों में खलबली मची हुई है, हार के डर से लोग बेचैन हैं, अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं, जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है, इसका जवाब 2024 और 25 में मिल जाएगा। तो आप इस बयान के बारे में क्या राय रखते हैं, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना लगाया है, खास करके JNU के एक सुधार्थी के आर्टिकल को चोरी करने के मामले उस पर और फिर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नीरज कुमार के बयान के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह की दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।